मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार बदमाशों की हरकत से काफी परेशान है। उनका आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित फैमिली ने अब मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल जिले के तृप्ति नगर इलाके में रहने वाला रवि प्रताप सिंह और उनके परिवार इन दिनों मानसिक रूप से परेशान है। पास में ही रहने वाला एक बदमाश आधी रात के वक्त उनके घर के बाहर आता है, कभी ढोल ताशे बजाता है तो कभी डांस करता है, तो किसी रात को अपने साथियों के साथ आकर गाली गलौज कर धमकियां देता है। रवि प्रताप ने बताया कि वो 2017 में तृप्ति नगर स्थित इस घर में पहुंचे थे। उस दौरान इलाके में ही रहने वाले राजेंद्र बुंदेला सहित अन्य लोग उसके मकान के नीचे बैठकर शराब पीते थे। जब रवि के परिवार के लोगों ने राजेंद्र और अन्य लोगों को शराब पीने से मना किया तो फिर इन लोगों ने उनके घर पर फायर कर दिया था। रवि ने इस घटना के बाद थाने में FIR भी दर्ज कराई। इस मामले की पुलिस की जांच चल रही है। रवि के मुताबिक राजेंद्र बुंदेला राजीनामा के लिए कई दिनों से उनके परिवार पर मानसिक रूप से दबाव डाल रहे हैं। 2-3 फरवरी को FIR हुई थी सर, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग आए थे रात को, 3-4 लोग थे, नामजद हैं, उनकी FIR हो गई है। नितिन शर्मा था, राजेंद्र बुंदेला, एक कपिल बूटा था, एक अज्ञात था। हाँ, इन लोग आए रात को 12 बजे, इन लोगों ने रात को गालियां दी और हम लोग बाहर निकल गए तो इन्होंने मारपीट कर दी। एक महिला किराए से रहती है, उसका नाम लेके गाली दे रहे थे। हाँ, मेरा नाम लिया था, रवि बाहर निकल। कुछ वजह नहीं है सर, जातिवाद को लेके है, क्या है, चमरामरे ऐसी बातें करती हैं, बाहर आके गालियां देते हैं। परेशानी जो आ रही है जी, आप हमें रहने दे रहे हैं? कौन लोग जी? बुंदेला ने बुंदे हाँ क्या करते हैं? गाड़ी आ रही देते हैं और आने के बुरी बुरी गाड़ी देते हैं। हमारे बच्चन को रहने दे रहे हैं, हमारे बच्चे के दम जात है, नाने लिखे पड़े हैं। मंगलवार की जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक थाना ताटीपुर से एक युवक आया था और उनका फरवरी माह का प्रकरण है। उनका कहना था कि मेरे घर के बाहर कुछ लोग ढोल बजाते हैं, तो उस बात की जो वीडियो है उसकी थाना प्रभारी को बोला है, जाँच की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और थाना प्रभारी द्वारा टीम बनाकर जो आरोपी फरार है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है।